पंजाब दे विच जिहड़े चल रहे क्रिश्चन जिहड़े लोकां नूं जादू टूने दे नाम दे उत्ते छेती ठीक करन दे नाम दे उत्ते पैसे दे के क्रिश्चन दी जिहड़ा लै के जाण काफी चर्चा होई है। बचपन से पोलियो था, उठ बैठने पर दे टांगों को मूव नहीं कर पा रहे थे। चलो भागो सर, ये जितना भी चीज हो रहा ना, ये एक तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप स्टेज पे किसी को बुला रहे हैं कि भैया ये आएगा और मैं इस पे हाथ रखूंगा और ये ठीक हो जाएगा, वो सब स्क्रिप्टेड है, वो पहले से प्लांटेड लोग हैं। तो आप उसके अगेंस्ट हो? हम लोग उस चीज के कभी फेवर में है ही नहीं, उसके हमेशा हम लोग अगेंस्ट में ही हैं और कंडेम करते हैं इस चीज को। वीडियोज भी देख रहे हैं ना, कुछ लंगड़ के आंदा है, मत्था हाथ लांदे बच गया, इत दौड़न लग गया, आ गया आ गया, कि क्रिश्चियनिटी दे विच ये सब कुछ है। हमने अपनी आंख से कभी नहीं ऐसी चीज देखी, ना कभी हमारे किसी बिशप ने या प्रीस्ट ने ऐसा कुछ किया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ फेक लोग हैं जो प्रेज दी लॉर्ड। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो क्लिप को देखा, ये एक बिशप है और अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मसीह पर विश्वास करते हैं और ये एक बिशप है। दोस्तों, इन दिनों पंजाब का कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है आप सभी जरूर जानते होंगे। और जो पंजाब से एक वीडियो वायरल हो रही थी, इस वीडियो को भी आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिख लोगों के द्वारा पंजाब अमृतसर में की गई थी, जिसमें इन बिशप और इनके कुछ साथियों को इनवाइट किया गया था। तो फिर जो इन बिशप और इनके साथियों ने क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बारे में आपको मालूम होगा। इनका कहना था कि क्रिश्चियनिटी में चमत्कार नहीं होते हैं और ना ही बीमार ठीक होते हैं। मुझे लगता है इन्होंने पवित्र बाइबल कभी पढ़ी ही नहीं, अगर पढ़ी होती तो इनको मालूम होता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उनके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है। और साथ में इनको मालूम होता कि पवित्र वचन में कितने बड़े बड़े चमत्कारों का जिक्र है। और साथ में इन लोगों का ये भी कहना था कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, झूठ है, जो चर्च में लोग ठीक होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अंकुर नूला मिनिस्ट्री की या किसी भी चर्च की, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी की आराधना होती है, परमेश्वर किस तरह से वहाँ बड़े काम करते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, हर प्रकार के रोगी ठीक होते हैं। और जब लोग अपनी बीमारियों से ठीक होते हैं, सामने आकर अपनी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से हील किया। ये सब काम छुपकर नहीं होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग से चलती हैं और लोग अपना नाम और एड्रेस बताकर गवाही देते हैं। दोस्तों, आइए हम एक वीडियो क्लिप को देखते हैं, जिसमें इस सिस्टर का बेबी हॉस्पिटल में बीमार था और उसका ऑपरेशन होने वाला था, और जब अपोस्टल अंकुर नूला जी ने उनके बेबी के लिए प्रार्थना की और उनका बेबी उसी वक्त ठीक हो गया, और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बेबी की टेस्ट रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए और हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल गई और वो चर्च पहुंचे अपनी टेस्टमनी देने के लिए। आपको बता दें, अपोस्टल अंकुर नूला जी ने उस बहन का, जिनका बेबी ठीक हुआ था, उनका पूरा घर का एड्रेस पूछकर कहा कि जिनको ये सब झूठ लगता है, जाओ उनके घर में जाकर उनसे पूछ लो। बोलते हॉस्पिटल में जा। अरे, ये हॉस्पिटल वाली गवाही है, हॉस्पिटल आईसीयू वाली। बहन जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत कौर। एड्रेस दसो थोड़ा की है। बलजीत कौर केड़ा पिंड है? करतारपुर दे। करतारपुर च केड़ा पिंड है? पिंड सुरखा। तड़ा नाम की है? मेरा नाम बलजीत कौर। तड़े फादर दा, हस्बैंड दा या सोरे साहब दा नाम सारे ने दसो। इन्हें दे पापा दा नाम हैगा मनजीत सिंह। हाँ। इन्हें दे दादा जी दा नाम हैगा दर्शन सिंह। ओके, ते रहंदे किथे हो तुसी? सुरखा पिंड। हाँ जी, रामगढ़ दे लागे सुरखा पिंड। और तड़े घर दे आस पास कोई मशहूर चीज केड़ी है? जगह या बाबे शहीदां दी। ओके, उत्थे तुसी रहंदे हो? हाँ जी। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो, और अगर सुना एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में, वो एलियन दिखे, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को, वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। और अभी ये बिशप इनके साथी चाहे तो इन बहन से जाके पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगी कि परमेश्वर जीवित है, जो आज भी बीमारों को ठीक करने की समर्था रखते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि चर्च में झूठे चमत्कार होते हैं, कृपया आप उन लोगों से बात कीजिएगा जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। मेरा मसीह विश्वासियों को यही कहना है कि आप ऐसे बिशप लोगों से सावधान रहिएगा जो पंजाब के मसीह लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने एंजल वी चंद्रा की वीडियो को देखा, उस भाई ने भी बहुत अच्छे से इन लोगों को जवाब दिया था अपनी वीडियो के जरिए से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो।